आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में नेम कैसे करेक्शन करेंगे। मेरे पास काफ़ी सारा कमेंट आ रहा है और उसमें पूछा जा रहा है कि सर आधार कार्ड में नेम करेक्शन कैसे करते हैं, सही कैसे करते हैं, उस पर एक कंप्लीट वीडियो बना के दिखाइए। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोज़ पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड में नेम करेक्शन कैसे कर सकते हैं, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से। आपको साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी के टाइम में हर इंसान के पास एंड्रॉयड मोबाइल होता ही है और वो एंड्रॉयड मोबाइल से बहुत ही आसान से घर बैठे अपने आधार कार्ड में नेम करेक्शन कर सकते हैं। अब कैसे नेम करेक्शन करना है ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि इस तरीके से अपने आधार कार्ड में नेम को करेक्शन किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नेम में करेक्शन कराने के लिए आपको इस पेज पे आना होगा। इसका पेज मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप डायरेक्ट जाके इस पेज पे आ सकते हो या आप ब्राउज़र में टाइपिंग कर दीजिएगा uidai.gov.in तो भी आप इस साइट पे आ सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मिल रहा है अपडेट डेमोग्राफी डेटा ऑनलाइन। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से ये पेज ये ओपन होके आ जाएगा। आपको देख रहे हैं कि प्रोसेस टू अपडेट आधार, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक किए तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो आधार नंबर मांगा जा रहा है कि आपको यहाँ पर आधार नंबर देना है। इसके बाद यहाँ सेंड OTP पर कैप्चा डालना है। यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद यहाँ आधार नंबर देना है। यहाँ पर कैप्चा डालने के बाद यहाँ सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा जो आधार कार्ड से लिंक होगा उस पे। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपको OTP डालना है। इसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ अपडेट डेमोग्राफी डाटा पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह से ये ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ लैंग्वेज भी आप चेंज करा सकते हैं, जेंडर चेंज करा सकते हैं, ठीक। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, नेम वगैरह भी यहाँ पर आप चेंज करा सकते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो हमको सिंपली यहाँ पर चेंज करना है, तो हमको यहाँ सिंपली चेंज जो करना है नेम, आप देख रहे हैं कि 3 अटैम्प्ट लिस्ट, आप 3 बार ही लाइफ में यहाँ पे नेम चेंज करा सकते हैं। तो आप जो भी नेम चेंज करेगा वहाँ पर सोच समझ कर आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको इसको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड टू कर देना है। प्रोसीड पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ऑप्शन लिखा के आ रहा है हाईलाइट में, तो इसको आप रीड कर लीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि नेम लाइफ में 2 ही बार दिखा रहा है, वहाँ पर 3 बार दिखा रहा था, खैर यहाँ पर 2 ही बार दिखा रहा है तो आपको 2 ही बार यहाँ पर होगा, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको एक लाइफ में 1 बार और नाम 2 बार लाइफ में, इसके बाद जेंडर आप लाइफ में 1 ही बार यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोग इसको रीड करके यहाँ कंसेंट पे यस करेंगे, यहाँ प्रोसीड पे ओके कर देंगे। जैसे इसको ओके कीजिएगा आपको देखिएगा कुछ इस तरह से ये ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी अप्लाइंट का नाम है उसका नाम यहाँ पे आ गया है। इसके बाद जो भी नाम आप चेंज कराना चाहते हैं तो ये सिंपली आपको यहाँ पर नाम देख रहे हैं कि इंटरव्यू करेक्शन नेम, तो यहाँ पर जो भी नाम डालना है तो यहाँ पर आप उसको नाम डालिए, हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अगर हिंदी में यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आता, अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप गूगल इनपुट टूल की हेल्प से आप इसको सही कर सकते हैं। तो आपको ब्राउज़र में टाइपिंग कर देना है गूगल इनपुट टूल यहाँ पे, तो गूगल इनपुट टूल ऐसे यहाँ ओपन कर लेना है। यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज में आपको चेंज कराना है नेम तो उस लैंग्वेज को यहाँ से चूज कर लीजिएगा। जैसे जैसे हमको यहाँ पे हिंदी में करना है तो यहाँ पर हम टाइपिंग कर देंगे नसीरा। जैसे देखिए मैं यहाँ टाइपिंग कर दिया नसीरा, इसमें बहुत सारा फॉर्मेट में आ गया। तो आपको जो भी फॉर्मेट में आपका सही है तो उस फॉर्मेट को आपको ऐसे इंटर मारना है, इसको सेलेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप सिंपली आ जाइएगा यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, यहीं से पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसी तरह बहुत आसानी से आप यहाँ पर नाम चेंज करा सकते हैं। वैसे जैसे यहाँ पर डालिएगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं डाल के इंटर किया, देखिए ये ऑटोमेटिक ये ले लिया। तो इसी तरह बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर नाम को डाल सकते हैं।
इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद बोल रहा है कि यहाँ पर आपको कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट फोटो, आईडी कार्ड, इसके बाद नरेगा कार्ड, इसमें जो भी आपका लाइसेंस है वो लाइसेंस वो आपको चूज करके उसमें और आईडी चूज करके आपको उसमें डालना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं वो पैन कार्ड चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड अपलोड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अपलोड डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे चूज तो कर लिए, इसके बाद यहाँ पे अपलोड को अपलोड डॉक्यूमेंट पे जाके इसको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद देख रहे हैं इसका जो फॉर्मेट है वो JPG और PNG में है, तो आपको दो फॉर्मेट में यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे और इसका मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा का साइज नहीं होना चाहिए, तो ये बात का आपका ध्यान रहे, ठीक है। अपलोड करने के बाद देखिए जैसे मैं यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर दिया, अपलोड करके ये प्रीव्यू आपको यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर जो आप नाम डाले हैं वो नाम आ गया। करेक्शन के लिए यहाँ पर भी ओपन करेंगे, तो पर भी ओपन करने का जो भी आप नाम डाल चेंज कराना चाहते हैं वो नाम का यहाँ पर आपका शो कर देगा। तो इसीलिए आप जो भी नाम डालिएगा सोच समझ कर डालिएगा और यहाँ से आप रिमूव करके इसको हटा भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आप जो भी नेम चेंज कराना चाहते हैं वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ से जाकर आप एडिट भी कर सकते हैं, अगर आपको ये गलत है कुछ और चेंज कराना चाहते हैं तो यहाँ से आप जाके इसको हटा के दूसरा भी ला सकते हैं। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि वेरिफिकेशन कैप्चा, आपको यहाँ पे कैप्चा डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना है। जैसे OTP पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद यहाँ आपको आई एग्री ओके करना है, कंसेंट देना है, इसके बाद मेक पेमेंट के लिए आगे बढ़ना है। तो इसे डालने के बाद देखिएगा कुछ इस तरह से आपको ये ऑप्शन पेमेंट के लिए आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ 50 रुपये आपके अकाउंट से कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेमेंट ऑप्शन आपको दो तरीके से पेमेंट करना है, आपको कार्ड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के द्वारा। चलिए हमको कार्ड के द्वारा पेमेंट करना है, तो यहाँ पर हम कार्ड वाले पे क्लिक करके यहाँ देख रहे हैं कि आपको कार्ड नंबर यहाँ आपको डालना है, एक्सपायरी डेट मतलब आपको मंथ और ईयर डालना है जो आपको कार्ड पर दिखा रहता है। इसके बाद पीछे साइड जो कार्ड के पीछे साइड में देखिएगा यहाँ CVV 3 नंबर का जो अंक रहता है वो आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद कार्ड का जो हम नाम है वो कार्ड का नाम यहाँ पर डालना है, इसको इशू चेक करना है, इसको यहाँ प्रोसीड पे ओके कर देना है। चलिए यहाँ से हम डाल देते हैं, तो प्रोसीड पे क्लिक करते ही वो कुछ इस तरह से ये ऑप्शन ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पेमेंट मेथड के लिए ये ऑप्शन आ रहा था, यहाँ इसको आप कुछ रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं कीजिएगा। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा, OTP यहाँ पर डाल के आपको क्या करना है, मेक पेमेंट पे ओके कर देना है। तो पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक मैसेज जाएगा और आपका यहाँ शो भी कर देगा प्रीव्यू में कि आपको वहाँ पे एक URN नंबर देगा जो 8 डिजिट का होगा। वो 8 डिजिट का नंबर को क्या करना है, आपको लिख के या से कॉपी करके रख लेना है। इसके बाद उसको प्रीव्यू चेक करने के लिए उसके या उसकी जो प्रोग्रेसिंग है उसको चेक करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसके वेबसाइट पर आना पड़ेगा, UIDAA के वेबसाइट पर। तो हम इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑनलाइन चेक डेमोग्राफी डाटा अपडेट स्टेटस, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, सॉरी आपको जो आधार कार्ड का नंबर है वो डालना पड़ेगा। इसके बाद जो आपको URN नंबर मिला है वो URN नंबर 8 डिजिट का है, तो वो आपको URN नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो कैप्चा हो कैप्चा डाल के आपको सेंड OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे OTP पे क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर डाल के यहाँ पे चेक स्टेटस पे ओके कीजिएगा, तो आपका जो भी प्रीव्यू है वो यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर शो होकर बताने लगा कि आपका जो अभी आप नेम चेंज किए हैं तो उसका स्टेटस क्या है। तो इसी तरह बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से अपने आधार कार्ड में नेम करेक्शन करा सकते हैं। सो गाइस, आपने जाना है कि किस तरीके से आधार कार्ड में नेम करेक्शन किया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।